Hey guys, welcome to my new vlog. आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं. एक्चुअली क्या हुआ ना, कल रात को मेरी नींद हो ही नहीं पाई. इवान बार बार जग रहा था. ओडिन को किसी काम से एक दूसरे सिटी जाना था जो कि शंघाई के पास है. वो इवान और मेरी जो मदर इन लॉ है उनको लेके गया. उसने मुझे भी बोला काफी जाने के लिए, बट मैंने कहा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे मजा नहीं आएगा, मैं थोड़ा आराम करूंगी, कुछ काम करूंगी घर पे. तो मैं आज यहाँ पे रुक गई हूँ. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है. फिर मैंने सोचा चलो आज CVS का फूड ब्लॉग बनाते हैं, कोई कलर वाला चैलेंज देते हैं. तो काफी सोचने के बाद मैंने सोचा आज के दिन के ब्लू कलर सही रहेगा, क्योंकि आज ना मौसम बड़ा ब्लू ब्लू हो रहा है, एकदम बादल वाला हो रहा है. कभी धूप निकलती है कभी बादल. मेरा मूड भी थोड़ा ब्लू सा हो रहा है, थोड़ा सा टायर्ड. तो चलो इसी थीम को रखते हुए आज मैं जाऊंगी CVS में. अब मुझे पता नहीं ये चैलेंज किसने स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे पता है कि पू इन कोरिया का ये सबसे पॉपुलर चैलेंज है. सबसे बड़ा फर्क ये रहेगा कि ये शायद चाइना का सबसे पहला चैलेंज रहेगा CVS वाला. तो चलो गाइस ब्लू कपड़े ढूंढते हैं, देखते हैं कि आज ब्लू कलर का क्या क्या मिलता है हमको सामान. तो मैं आ गई हूँ अपने अलमारी में और यहाँ पे मुझे ये हटके दिख रहा है ब्लू वाला, जो मैंने H&M से कुछ दिन पहले लिया. आज थोड़ी हल्की सी ठंडी है, यानी 20-23 के आसपास चल रहा है. ये वाला टी शर्ट चल जाएगा. ये वाली मेरे पास ब्लू कलर की जीन्स है. आई डोंट नो ये ग्रीन है कि ब्लू है, थोड़ी मैं कलर ब्लाइंड हो गाइस. सोच रहे हैं ये वाली हाई वेस्ट ब्लू जीन्स पहन लेती हूँ, दोनों ब्लू हो जाएंगे. फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ब्लू शूज नहीं है. तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास कोई ब्लू शूज ही नहीं है. ये शूज जो है ओडिन के हैं, बाकी मेरे पास सारे व्हाइट हैं और ब्लैक हैं. ये टिम्बरलैंड वाले ब्राउन शूज हैं. मैं ये वाला पहन सकती हूँ, ये तो ब्राउन से है. चलो अब निकलते हैं हम. इसमें स्क्रैचेस आ गए हैं क्योंकि बहुत सारा सामान लोग यहाँ से लेके जाते हैं. तो गाइज मैं आ गई अपने पार्किंग एरिया में. वैसे तो मैं हमेशा ब्लैक मास्क लगाती हूँ, लेकिन आज मैं ब्लू लगाऊंगी क्योंकि ब्लू फूड चैलेंज है. ये रही मेरी स्कूटी, वाहन का हेलमेट, तो इसको मैं अंदर रखूंगी. ये देखो मेरी स्कूटी में भी ब्लू है, ब्लू और येलो. ये स्कूटी ओडिन ने खुद पेंट की थी. डार्क ब्लू वाला स्कल कैप पहनूंगी ताकि मेरे बाल नहीं खराब हो जाए हेलमेट से, नहीं तो बहुत ड्राई हो जाते हैं. रोज मैं इसी रास्ते से सुबह इवान को स्कूल ले जाती हूँ और इस रास्ते में एक बड़ा सा CVS आता है, लेकिन मैं कभी उसमें गई नहीं हूँ. बहुत टाइम से सोच रही थी वहीं पे जाके देखती हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है वहाँ जाने का. ये कितनी क्यूट बिल्डिंग है. हेलो किटी. ये भैया जी क्या लेके जा रहे हैं इतने बड़े टैंकर में. ब्लू कलर का पुलिस स्टेशन. गाइस चाइना में ना पुलिस का कलर ब्लू है. ब्लू कलर का साइन बोर्ड. क्या बात है आज बड़ी ब्लू कारें दिख रही है. ये जा रही है, ये भी ब्लू है. वैसे तो हमेशा ब्लैक और व्हाइट ही दिखती है. गाइस ये आ गया मेरा फैमिली मार्ट. आई वाज होपिंग कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ ना हो क्योंकि वीक डे है, बट आई डोंट नो, बैठने की जगह मिल जाए बस. इस मेरे पीछे है फैमिली मार्ट और यहाँ पे काफी लोग हैं. मुझे ना थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा है और यहाँ पे AC की बड़ी आवाज आ रही है यार, चुप हो जाओ. हाँ मुझे भी नर्वस फील होता है गाइस जब बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं. चलते अंदर. घुसते ही फैमिली मार्ट का पोस्टर ब्लू है गाइस. घुसते ही मुझे जो काउंटर पे लेडी है ऐसे करके देखने लगी, कौन है कौन है. गाइस मुझे ये मिला है ब्लू कलर का, बट ये डॉग फूड है. सबसे पहली ब्लू चीज मुझे यही दिखी. तो गाइस मुझे एक बहुत अच्छा ब्लू पैकेट मिला, ये वाला. अनफॉर्चुनेटली ये बीफ है, तो हम इसको वापस रख देंगे. वाओ दिस इज सो क्यूट गाइस. और इसमें मैंने ट्रांसलेट करके देखा, ये है स्कैलप्स और पोर्क, तो एक मैं ये लूंगी. गाइस देखो इतने सारे नूडल्स हैं, सारे कलर्स हैं यहाँ पे. एक ये है ब्लू वाला, ये सी फूड लग रहा है. अब मैं ये लूं कि ये लूं, ये वाले लग रहे हैं सी फूड वाले नूडल. इसमें ना श्रिम्प का फोटो, फिश केक का फोटो नजर आ रहा है, साइज में भी काफी बड़ा है. ये है 70 रुपीज के आसपास. एक लाइट ब्लू कलर के नूडल लेते हैं, एक ये डार्क ब्लू जो कि एकदम मैच कर रहा है मुझसे, क्योंकि एक से तो मेरा पेट भरेगा नहीं गाइस. यहाँ पे रहे बहुत सारे स्नैक्स. कोकोनट वाटर, तो क्योंकि इतना हेल्दी है मैं आज यही चूज करूंगी. गाइस कुकीज वाला आयल, तो इसमें सिर्फ कुकीज भरी पड़ी है. एक मैं ये स्नैक ले रही हूँ, ये मुझे कुछ तो चॉकलेट सैंडविच जैसा कुछ लग रहा है. नॉपर्स.
गाइस ये रहा पूरा ड्रिंक्स का आयल। ये वाली ब्लूबेरी वाली ड्रिंक है, तो मैं सोच रही हूँ ये लू या नहीं लू। तो गाइस अभी मेरे पास ना इतना सामान हो गया है, एक कोकोनट मिल्क है, एक स्नैक, दो नूडल्स, बट यहाँ लिटरली इतनी सारी ब्लू कलर की चीजें हैं, मुझे लग रहा है कौन सी छोड़ू और कौन सी लू। एक लेस भी ले लेती हूँ, ये रेड मीट फ्लेवर ट्राई नहीं किया मैंने। ये हुआ हमारा 90 रुपीज का। मैं सोच रही हूँ कि कोकोनट मिल्क के अलावा एक और ब्लू चीज ले लेती हूँ पीने के लिए, तो मैं ले रही हूँ ये ब्लू वाली ब्लूबेरी ड्रिंक 120 रुपीज में। और मेरे बाल है ना इधर उधर उड़ रहे थे, तो मैंने बाल बांध लिए हैं, थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है। तो चलो गाइस लेके चलते हैं बिलिंग के लिए। तो गाइस मुझे ना कोने वाली जगह मिल गई है इतने बिजी CVS में, जहाँ पे मैं अपना अड्डा जमा के बैठ गई हूँ। तो अभी ना हम एक एक करके यहाँ पे खाएंगे, इतनी सारी चीज मैं ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। ये देखो गाइस 90 रुपीज, 70 रुपीज, 70 रुपीज, 120, आई थिंक ये था 102 रुपए के आसपास। इन सब का मिला के प्राइस हुआ है 533 रुपीज एग्जैक्टली। इसमें अंदर सारे पैकेट्स भी ब्लू है, मेरा लकी डे। ब्लू कलर का स्पाइस मिक्सचर, एक कोई नॉनवेज सा कुछ लग रहा है। ये ब्लू कलर के ड्राई जो सब्जियां वगैरह है वो, और इसको खोल के देखते हैं। इसमें थोड़े अलग कलर के पैकेट्स है राइस। लुक एट दिस, कितनी क्यूट मछलियां इसमें, वाओ। तो गाइस चलो अब दोनों में गर्म पानी डाल के आती हूँ। गाइस अभी ना मैं इसका पैकेट पढ़ रही थी ना, जो स्पाइस मिक्स था वो शायद पेपर फ्लेवर था, और वो मेरे नाक में गया। एक तो मेरा दिमाग वीडियो में लगा था, और ऐसी खांसी आई ना। खाने से पहले ही सारा कचरा हटा के रख देती हूँ। खाना स्टार्ट करते हैं, दोनों मेरे नूडल्स हो गए। ये रहा पोर्क और सी फूड वाला मिक्स मिक्स। जैसी स्मेल आ रही थी वैसा टेस्ट है एग्जैक्टली, बहुत ही माइल्ड सी फूड वाला टेस्ट है, कोई स्मेल या बदबू नहीं आ रही है। ये पोर्क का ना सिर्फ एक पीस है, इसको मैं खा के देखती हूँ। खट्टा सा टेस्ट है, इलायची का टेस्ट आ रहा है, स्ट्रेंज। देखो कॉर्न के भी पीसेस आ रहे हैं खूब सारे। मैंने ना ये ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, बस सूप बच गया इसका। वेरी नाइस। अब है बारी हमारे दूसरे नूडल की, जो मैं पता नहीं कितना खा पाऊंगी। गाइस कितना क्यूट लग रहा है ये फिश, तो जरा देखो। तो इसको अच्छे से मैं मिला रही होगी। गाइस मुझे लगता है ये मुझे घर वापस ले जाना पड़ेगा ओडिन जी के लिए। इतनी गर्मी लगने लगी है मुझे गर्म गर्म नूडल्स खा के। ये थोड़ा ज्यादा नमकीन है, ये इससे थोड़ा सस्ता है छोटे वाले से। एक्चुअली सी फूड का फ्लेवर इतना नहीं है इसमें, काफी प्लेजेंट फ्लेवर है। मुझे लग रहा है मैं ये नहीं खा पाऊंगी, ये जाएगा ओडिन के लिए। डिजर्ट टाइम गाइस। नटेला जैसा स्मेल आ रहा है मूंगफली का और चॉकलेट। इसमें क्रीम भी भरी हुई है। अब हम इसको खोलते हैं। मुझे सिर्फ एक ही तरह से खोलना आता है, वो है ये। तो ये है इटालियन रेड मीट फ्लेवर। पता नहीं मुझे तो टमाटर का टेस्ट आ रहा है, बस नाइस।
अब हम खोलते हैं कोकोनट मिल्क गाइस, बहुत मन कर रहा है पीने का, एक हेल्दी चीज हो गई आज की। गाइस इसमें कोई फ्लेवर एडेड नहीं है, कुछ एडेड नहीं है, 100% कोकोनट वाटर है, ये जो हरे वाले होते हैं ना उसका है। मजा ही आ गया मुझे। अभी हम खोलते हैं, ये मेरे ख्याल से ब्लूबेरी वाला योगर्ट ड्रिंक है ये। गाइस देखो ये क्या, ये बबल बन गया इसके ऊपर। मुझे क्या लगा, मुझे लिटरली लगा ये खोलते ही कि जैसे डिओड्रेंट होता है ना, दिखने में भी ऐसा होता है और उसके ऊपर ऐसा गोला होता है ना। आई रियली थॉट कि डिओड्रेंट उठा के ले आई क्या मैं। एकदम गाढ़ा वाला दही है, उसमें ब्लूबेरी जैसा कुछ है, बट मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लेवर भी लग रहा है। नॉट बैड। मैं कैसे सोच रही हूँ कि जाने से पहले मैं बिना आइसक्रीम खाए जाऊंगी। आइसक्रीम की वैरायटी थोड़ी कमी है यहाँ पे, कौन सी वाली लूँ? ये मैग्नम है, बट मुझे पता मैग्नम बहुत ज्यादा महंगी होती है। एक काम करते हैं, चाइनीज वाली इस टाइप की कोई ब्लू में ले लेते हैं। यहाँ पे काफी महंगी महंगी हैगन डास और ये चाइनीज ब्रांड इसकी भी है, तो कप वाली ले लेती हूँ, खत्म नहीं हुई तो घर ले जाऊंगी। चॉकलेट फ्लेवर्ड, ओके है तो ब्लू ही। अभी हम खा के देखते हैं ये आइसक्रीम। एंजॉय, वाओ। देखते हैं इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि बाकी सारी आइसक्रीम तो यहाँ पे 30-40 रुपए में मिल जाती है, ये थी 150 में। इसमें स्पून ऐसे लगाई हुई है, पहली बार देखा मैंने। ऐसी तो मैं घर में बना लेती हूँ। ये तो इवान भी नहीं खाएगा। ऐसा होता है क्या कि जितनी महंगी चीज है उतनी ही टेस्टलेस? अच्छा था वो कोन वाली आइसक्रीम ले लेती मैं 50 रुपीज की। मुझे लगता है कोई जिलाटो टाइप की है इसलिए इतनी महंगी है। तो गाइस मेरी फेवरेट चीज रही आज के व्लॉग में ये कोकोनट वाटर। खाना हो गया खत्म, अभी हम चलते हैं वापस घर की तरफ। यहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। गाइस मैं ना अभी घर जा रही थी एंड आई वाज लाइक मैं क्या कर रही थी वहाँ पे। सीवीएस में ना मैं कम से कम आधे घंटे तक सिर्फ चीजें ढूंढ रही थी क्योंकि मैं इतनी नर्वस हो रही थी। जो भी है आज पहले बार था प्रॉपर सीवीएस वाला व्लॉग, ये वाला सीवीएस है ना यहाँ मैं पहली बार गई थी तो थोड़ा डर तो लगना ही था। पहले तो मैं ना जो लेडी थी सीवीएस में उससे परमिशन मांगने लग गई, उसको समझ नहीं आ रहा था ठीक से कि मैं कौन सा वीडियो बना रही हूँ। मैंने बस बोला कि देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ना किसी को दिखाऊंगी नहीं, मैं बस अपनी शक्ल दिखाऊंगी और खाना दिखाऊंगी। आई गेस शी वॉज लाइक फाइन स्माइलिंग। It's chocolate ice cream. I ate a little bit. You can eat more. Okay? Thank you, Mama. You made this ice cream. Yes. Okay, you can go. You watch cartoon with ice cream. There. Now we can play with the pink car. Ivan can't see me from here, but I can see him. He can't saaf karna padega yaar.